कुल हमारे आपको 3964 वोट पड़े थे, जिसमें से 51 वोट इनवैलिड निकले। कुल वैलिड वोट जो निकले थे वो 3913 वैलिड वोट निकले थे, जिसमें से जो ब्रजेश सिंह प्रिंसू हैं उनको 3130 वोट मिले हैं, और डॉक्टर मनोज कुमार यादव हैं उनको 772 वोट मिले हैं, और तीसरे जो कैंडिडेट थे भानु प्रकाश उनको 11 वोट मिले हैं। इस प्रकार से प्रथम वरीयता ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने काफी ज्यादा 3130 है। जो हमारा कोटा था वो 1957 था, तो उसे काफी आगे है, इसीलिए सेकंड राउंड की जो प्रेफरेंशियल वाली काउंटिंग होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, और ये रिजल्ट हम लोगों ने आयोग को कम्युनिकेट भी कर दिया, जैसे ही वहाँ से अनुमति आ जाएगी हम लोग प्रमाण पत्र। मन मुंगा ना दिखाया था नीचे को ले जा, तो नीचे रखा है, थोड़ा नीचे कर लीजिए भैया, थोड़ा नीचे कर लीजिए। देखिए मतों की गणना पूर्ण हो गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा निर्वाचन आयोग के परमिशन के बाद ही जिला निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारी करते हैं, लेकिन गणना का जो परिणाम रहा टोटल मतों में 3129 मत मुझे मिले हैं और 772 मत समाजवादी पार्टी को मिले हैं। मत अवैध है, 51 मत अवैध हैं और निर्दल 11, निर्दल को 11 मत मिले हैं। 5 साल आप रह चुके हैं, 6 साल अगला कार्यकाल मिल रहा है, इसको लेकर क्या नीतियाँ? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूँ और पार्टी के विचारों नीतियों और पूर्व का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल जो आम जनमानस के लिए कार्यकाल रहा सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास के मूल मंत्र पर, उसका प्रतिफल रहा कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उन्हीं नीतियों और उन्हीं विचारों को लेकर विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोग प्रत्याशी बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन की बदौलत बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने ये चुनाव जीता है। जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी भाई बंधु जिन लोग भी इस चुनाव में लगे रहे सबको ये जीत समर्पित है। अरे यार ऊपर नहीं है।